न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत आयुक्त संजय गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में की गई तैयारियों की समीक्षा। कहा, अब ऑनलाइन होगी बाढ़ और सुरक्षा की तैयारियों की व्यवस्था। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा, अनलॉक सेकेंड में रात्रि कर्फ्यू में बढ़ाई जाएगी एक घंटे की और छूट। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का नगर विधायक तथा जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। जागरूकता वैन तथा स्वच्छता सैनिटाइजेशन टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, इलाज और दवा की है समुचित व्यवस्था, नहीं होगी कोई कोताही। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने पर एसडीएम सदर ने एटलस साइकिल के शोरूम को कराया सील। कहा, कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक सभी दुकानें और आवागमन रहेगा बंद। कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने के वांछित आरोपी अभियुक्त को स्वाट सर्विलांस क्राइम ब्रांच और गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से एक अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन किया बरामद। अनलॉक सेकेंड के मद्देनजर एसएसपी ने कोतवाली से टाउन हॉल तक किया पैदल गश्त। हॉटस्पॉट का भी किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 1 माह पूर्व जेल से रिहा हुए शातिर बदमाश को शाहपुर पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने किया खुलासा। एसडीएम सदर ने बुधवार को तहसील सदर क्षेत्र के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर केड़िया हॉस्पिटल को किया सील। 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पीड़ितों को उचित इलाज के लिए एसबीआई ने डोनेट किया 2 वेंटिलेटर। कहा, ग्राहक सेवा के साथ साथ समाज सेवा के लिए समर्पित है एसबीआई। गोरखपुर में बुधवार को मिले 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 361, जबकि 241 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 13 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस 107। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने केक काटकर तथा वरिष्ठ चिकित्सकों को अंग वस्त्र भेंट कर किया सम्मानित, दी शुभकामनाएं। 1 जुलाई को पढ़ने वाले डॉक्टर डे के अवसर पर आईएमए के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और उनके कार्यालय में तैनात सभी स्टाफ को बुके देकर किया सम्मानित, दी बधाई और शुभकामनाएं। तहसील सदर के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए एसडीएम सदर ने किया संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रहने के दिए निर्देश। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को कोतवाली थाने पर बनाए गए कोविड केयर हेल्प डेस्क का किया निरीक्षण। थाने पर आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइज करने के दिए निर्देश। अनलॉक 2 में श्रवण मास में निकलने वाले कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आम जनमानस से की अपील। कहा, लोग अपने घरों में ही करें भगवान शिव की पूजा अर्चना। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य वृद्धि को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने तहसील मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। कहा, मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बुधवार को कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, कोरोना की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं पुलिसकर्मी।